कोरोना को लेकर बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन का बाल भी भाका न कर पाए हो, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इरादा कर लिया है कि वो चीन की कमर तोड़कर रख देंगे। यूपी के सीएम को इसके लिए कोरोना सबसे अच्छा मौका दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को छिपाने और फैलाने को लेकर चीन के लिए नफरत बढ़ी है, उसे यूपी के लिए कैश कराया जा सकता है। यूपी के सीएम चाहते हैं कि चीन जिस उद्योगों के दम पर इतराता है उसे किसी भी तरह से यूपी लाया जा सके। अगर ऐसा कर सके तो चीन तड़प कर रह जाएगा। योगी आदित्यनाथ की इन्वेस्ट इंडिया की बैठक इसी की एक कड़ी है। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे चीन में काम कर रही दूसरे देशों की कंपनियों को लुभाकर यूपी लाया जा सके, सरकार उन्हें क्या रियायतें दे और क्या पैकेज दे सकती है जिसके हनी ट्रैप में आकर बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर यूपी आ जाएं। जानकारों के मुताबिक योगी की नज़र खास तौर पर चीन में व्यापार कर रही जापानी, अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों पर है। विदेशी कंपनियों को सूबे में निवेश करने और उद्योग लगाने के लिए मैनेज करने के लिए एक टास्क फोर्स को बनाया गया है। ये टास्क फोर्स विदेशी कंपनियों के लिए प्रदेश में रेड कार्पेट बिछाने का काम कर रही है। सीएम योगी की ये टास्क फोर्स सीधे निवेशकों से संपर्क कर रही है और उन्हें प्रदेश में निवेश करने का प्रस्ताव देते हुए सुविधाएं देने की गारंटी भी दे रही है। मिसाल के तौर पर दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फुटवेयर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वेल्स चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर आगरा में यूनिट लगाने वाली है। आगरा में लगने वाली यूनिट से हर साल लगभग 30 लाख जोड़ी जूते बनाए जाएंगे। पहले चरण में कंपनी आगरा में 110 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जर्मन कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करेगी। कंपनी ये पूरा निवेश अगले 2 सालों में करेगी, तो अगर योगी अपनी इस मंशा में सफल होते हैं तो यकीनन चीन करा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।